आज फाइनली हमारे कपड़े आने वाले हैं। ये तुमसे बहस करता है हर बार, पहले भी गिलास पे कर रहा था, अब सही आई है। वैसे अब पत्ता गोभी नहीं है ना इसमें, प्लेन है। और अब भाई है ना, अपने जो जितने भी कपड़े थे वो कल ही लेगा अपने। मतलब भाई ने इतनी अच्छी फिटिंग दी है कपड़ों की, इतनी अच्छी फिटिंग दी है। मतलब बच्चों वाली शर्ट ना, दिल छोटा कर रहा है, बस दो बटन लग गए उस चीज से। यहाँ मेरा पूरा रेडी हो गया, भूल गया तो शर्ट हमें मना। पागल दिल छोटा मत कर, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज फाइनली हमारे कपड़े आने वाले हैं, मतलब हमारे मेरे सचिन भाई के। तो सचिन भाई ने मुझे बुलाया गाइज, सचिन भाई को मिल जाऊंगा सिलमपुर गुरुद्वारे के पास। तो सचिन भाई वहीं आ जाएंगे, तो वहां चल के उनसे फिर मिलता हूँ। पहले हम जाएंगे अपना कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने कपड़े लेने। तो शादी बस कुछ ही दिन रह गया शादी के, तो मतलब 17 से स्टार्ट है शादी सौरभ भाई की। तो बस गाइज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम सब। बस कपड़े रह गए थे, हमें कपड़े लाने थे, वो जरूरी थे ज्यादा। तो चलते हैं पहले कपड़े ले आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज वहीं चल के मिलूंगा मैं, जहाँ सचिन भाई वेट कर रहा है मेरा। तो चलो चलते हैं। मिल गया मुझे गुरुद्वारे के पास सिलमपुर वाले। आते ही तुझे चाय पीनी है? घर से नहीं पी तू निशान? नहीं, मैं एक्चुअली क्या ना, समोसा और टिक्की लाया हूँ साथ में। ओह अच्छा, खाली बैठ के नाश्ता करते हैं। चल ठीक है। नली हम आ गए, अब अपने कपड़े ले आएंगे जो शादी के हमारे कपड़े थे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि कब कपड़े आएंगे, बट एक दिन लेट हो गए, तो आज मिलेंगे हमको। तो आज है ना इतनी ज्यादा ठंड है कि पूछो मत, बहुत ठंड है आज। और यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुक गए, पहले हम सचिन भाई कह रहे हैं कुछ खा लेते हैं फिर चलेंगे कपड़े लेने अपने। हमेशा हम यही खाते हैं, बट व्लॉग में नहीं दिखाता, आज दिखाता हूँ मैं व्लॉग में। तो दिखाइयो। तो देखिए बहुत फेमस है समोसा टिक्की हमारे यहाँ का। तो तू मतलब खा के नहीं आ सकता था घर पे? हम बाहर कुछ खा लेते ना, चौमिन ही खाते हैं ना हमें, चौमिन इतनी टेस्टी लगती है गाइस यहाँ की। तो हर बार हम यहाँ कर यहीं पर चौमिन खाते हैं। और ये अपना नाश्ता खुल रहा है, ये खुशबू दिखा रहा है मुझे आज। अच्छी आता है, पहले कुछ खा लेंगे फिर उसके बाद चलेंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया गाइस, मैं यूं घूम रहा हूं, मेरी सिस्टर को लेने गया था। हां सही, वो तू जब से घूम रहा है। तो गाइस मैंने तो खाना खा भी लिया था, बट भाई ने नहीं खाया था। तो अब यहां पर ये समोसे लिया है, समोसे लाया ना, और चाउमीन बनवा लिया हमने फुल प्लेट यहां पर। इस टिक्की तो देखने में टेस्टी लग रही है, मैंने थोड़ी खाई है यहां। तू दिखा कैसा टेस्ट है। तो गाइस मैं खा के दिखा रहा हूँ, क्रिस्पी है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। तो गाइस पहले अपना ये निमटा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। हमारी टिक्की फिनिश हो गई, अब हमारे समोसे आ गए ना। मैं मोमोज खाता हूँ, उनको बार बार। समोसे भी बहुत फेमस है वहाँ के गांधीनगर में। टिक्की भी अच्छी है, बहुत अच्छे फेमस, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और वहाँ चाउमिन भी लगा रखे फुल प्लेट। चौमिन आ जाएगी ना, पहले ही खा लेते हैं। तो मैं तुझे कोक मंगानी जरूरी थी भाई, मैं बिना कोक के रह नहीं सकता, इसीलिए मैं कोक जरूर पीता हूँ। पता कोल्ड हो गया था उस दिन, मेरे को ठंडी ठंडी कोक पी लेती ना उसके ऊपर कोल्ड। मैं ना टिश्यू समझ के मेरे इससे साफ कर दिया, मास्क से हाथ झाड़ा जब लग रहा था ही, बट मैंने तो साफ नहीं करा अपने हाथ। मैंने जब टिश्यू मांगे, भैया टिश्यू दे। गाइस कोक पीते मेरे को सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया। तो गाइस यहाँ हमारी रसमलाई आ गई भाई, स्पून नहीं लाए तुम। ये तुमसे बहस करता है हर बार, पहले भी गिलास पे कर रहा था। रसमलाई पे फोकस करो। फाइनली ना सचिन भाई बताता है टेस्ट करके, टेस्ट रिव्यू कैसा है, तो बताएगा भाई दोबारा। बता रसमलाई का कैसा टेस्ट है यहाँ का। गाइस मुझे ऐसा पता नहीं चल रहा। तो अग्रवाल की ना शॉप फेमस है, यहाँ की सब चीज अच्छी होती है ना। सुपर माइंड ब्लोइंग स्टूबलर फ्रंट वाले फ्रंट है। अब सही आई है वैसे, अब पत्ता गोभी नहीं है ना इसमें, प्लेन है। ओके ओके, स्पून स्पून फोक। तो गाइस हमारे फुल प्लेट चाउमीन आ गई। पहले ना चाउमीन में क्या होता, पत्ता गोभी डाल दिया था। हाँ तो अब हमने प्लेन मंगवाई है, सिंपल चाउमीन। तो गाइस मैं इसको भी टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है चाउमीन भी। तो गाइस हम तो यही खाते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, हम चाउमीन जब खाते हैं ना यहीं के खाते हैं। तो इसको खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। अपने चाउमीन खाने के बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे अपने कपड़े लेने।
अपने कोट लाएंगे और मेरा जो पठानी सूट था वो लाऊंगा, सचिन भाई भी अपना कोट लाएगा, रेडी है हमारा, बस हमें जाना है और उठा के लाना है। फाइनली हमारे यहाँ खाना पीना डन हो गया, बस अब कपड़ों के लिए चलते हैं क्योंकि वहाँ टाइम ना लग जाए हमको। तो गाइस फाइनली शॉप पर आ गए, किसके, सागर के नाम के, सागर बोल रहा था, मामा का लड़का, हाँ कह रहा था मेरे को भी दिलवाऊंगा हमसे। तो गाइस फाइनली शॉप पर आ गए, अब हम अपने यहाँ पर कोट देखते हैं, भाई का पूरे रेडी हो गए, और भाई का कलेक्शन दिखाता हूँ, एक नंबर है कलेक्शन, आप सबको भी पसंद आएगा गाइस। ये कलेक्शन है भाई का, मतलब कोई सा भी डिजाइन आप लेके आओगे ना शॉप पर सब अवेलेबल है। मैंने ये चीज देखी है भाई को, कि कोई चीज मना नहीं करेंगे, जो सा भी आप डिजाइन देखोगे, कपड़े में बहुत वैरायटी है देखो लोग। और अब भाई है ना अपने जो जितने भी कपड़े थे वो कल ही ले गए अपने, है ना, तो आज कुछ लेके गए थे वो, आज हाँ जूतियाँ रह गई थी उसकी, जूतियाँ भी अपना इसने यहाँ से, तो हमसे कह रहे थे कि तुम ले आना, बट हमने कहा कि कोई बात नहीं वो आ गया था वो ले गया अपना। अच्छा अच्छा, मैंने पूछा था, मैंने हम ले लेते कोई नहीं, हम दे देते फिर सौरभ भाई को। मतलब भाई ने इतनी अच्छी फिटिंग दी है कपड़ों की, इतनी अच्छी फिटिंग दी है, मजा आ गया सूट पहन कर, है ना, बहुत बढ़िया। तो सारी बात ना फिटिंग की होती है, लेकिन फिटिंग अच्छी हो ना तो मजा आ जाता है, तो भाई फिटिंग अच्छी दी आपने, तो मैं एड्रेस डालूंगा, अगर जिसको आना होगा ना तो गाइस वहाँ पर आप आ जाना, एड्रेस मैं दिखाता हूँ आपको। ये एड्रेस है आरजू टेलर, और ये फोन नंबर है, भाई को कॉल करके आ सकते हो आप सब, आरजू टेलर जिसको भी आना हो। टेलर एंड ड्रेपर स्पेशल इन कोट पैंट शर्ट सफारी जवारकट शेरवानी इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा, और इसका एड्रेस है D15 गली नंबर 14 नूरानी मस्जिद चौहान बैंगर दिल्ली 1153। तो जिसको भी आना हो अपने आकर बात कर लेना, बहुत अच्छे ही रेट में बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं भाई। तो मेरा तो भाई रेडी है, बस अपने लेके चलते हैं। पिछली बार हम मारे गए थे, हमने पाड़गंज से सिलवाया था, वो हमारा पड़ा था 8-10 हजार का जोधपुरी, और यहाँ पे भाई ने अच्छे रेट में अच्छे बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा नाम है प्रिंस व्लॉग, आप यूट्यूब पे देखना सर्च करके। हाँ बहुत ही हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, ये इसमें नहीं डाली शर्ट वगैरह, पठानी सूट रह गया उसकी भी फिटिंग अच्छी होगी, जब कोट की अच्छी है ना तो उसकी अच्छी होगी, नहीं वो ठीक होगी फिटिंग में देख लूंगा, क्योंकि गाइस कोट की अगर अच्छी आ गई ना फिटिंग तो पठानी सूट की तो अच्छी होगी होगी, मतलब बच्चों वाली शर्ट, अरे वो बन जाएगी तेरी हो जाएगा। तो गाइस अब है ना सचिन भाई अपने ट्राई करके देख रहा है कोट कैसी फिटिंग आई है इसकी, भाई शर्ट मेरी नहीं है ये, शर्ट में ऐसी फॉर्मल नहीं गाइस, वो है ना थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, इनने बनवाई थी अलग डिजाइन में, बन गई अलग डिजाइन मैंने, तो वो सिंपल बनाती है स्कूल की वर्दी की होती है जो कोट अच्छा है, बाकी तेरा कोट अच्छा है, अभी डाल के देखेगा ये पैंट, अच्छा लग रहा है तेरा कोट भी, ये जापानीज कपड़े में है ना, बहुत सचिन अच्छा लग रहा है बहुत। तो गाइस सचिन भाई का भी जो कोट है बहुत प्यारा लग रहा है, ये जो कढ़ाई आई है ना बहुत अच्छी लग रही है, खास ही बोला था एक बटन का कोट चाहिए मुझे, हाँ ये बात बोली थी मुझे, बोला था मैंने एक बटन का कोट चाहिए, मैं नहीं पहनूंगा ये कोट, पहले बता रहा हूँ देख भाई साहब से बात है, आजो भाई आजो, मुझे एक बटन का कोट चाहिए था, इसको पूरा काम चाहिए अभी, मैं जब ही कह रहा हूँ जब शर्ट ले जाएगा जब ये ले जाएगा, कोई बात नहीं मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, बाकी कोट अच्छा लग रहा है, फिटिंग भी ठीक है, फिटिंग कैसी है, ठीक है फिटिंग, बटन डाल रखा है कि नहीं डाल रखा, जिसने बोला भी नहीं उसके मैंने नहीं बटन डाल रखा, तो जो ज्यादा बोलता है ना उसका थोड़ा ऐसे ही होता है, अच्छा ज्यादा की बात तो चाहे कुछ भी हो। हाँ मेरा पूरा रेडी हो गया, सचिन भाई का रह गया थोड़ा काम रह गया, उसमें बाद में ले जाएगा, तो मैं अपना लेके चलता हूँ पहले कोट, चल ठीक है लगा दो, अरे कोई बात नहीं पहन लेके आओगे, वो बात ठीक है वो छोड़ उसकी यार, जो काम आ जाएगा यार, मैं कभी नहीं पहने, मैंने दो बटन के कोट, मैंने तो पहन लेना, अब कुछ अलग भी पहनना चाहिए ना फिर, हाँ चल कोई बात नहीं, पागल दिल छोटा मत कर, बहुत अच्छा लग रहा है कोट, खराब कर दी पैंट, पैंट इन्होंने मेरी, गाइस कमेंट करके बताना कोट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कोट सच में, पागल दिल, फाइनली हमारे कोट आ गए, बस घर चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, आजा सचिन, ना दिल छोटा कर रहा है, बस दो बटन लग गए उस चीज से,
मैं कह रहा हूँ मत कर दिल छोटा, हो जाएगा पागल। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो भी चीज पहनने के बाद कुछ और लगती है। बस यहाँ का सारा काम निमट गया, बस घर चल के मिलते हैं। जो शूज थे ना वो भी हमने पहले ले लिए थे, आपको ब्लॉग में दिखा दिया था। अब जो कोट रह गया था ना, ये कोट भी हमने ले लिया। अब बस घर चलेंगे, सारा काम हमारा निमट चुका, कटिंग भी हो गई और बाकी हमें शेव खतवत थी वो भी बनवा दी। टाटा बाय, ध्यान से जाइए, फोन कर दियो अगर जाते, ठीक है? फोन कर दियो जाते घर, मैं भी जा रहा हूँ। हमको हो गए 8:30, 5 बजे गया था मैं, 8:30 बज गए। तो सचिन भाई तो सौरभ के चले गए, यहीं से मुझे छोड़ गया था, कह रहा तू उतर जाइयो यहीं घर के पास। सचिन भाई क्योंकि डेकोरेशन वगैरह करवाएगा ना, मैंने उससे कहा कल सुबह मॉर्निंग में आ जाएंगे, तू पहुँच जा जल्दी से। तो स्कूटी में गए, ठंड बहुत है आज वैसे, अब देखो कब पहुँचता है। मैंने घर जाते ही ना फ़ोन कर दिया पहले कि तू पहुँच गया, इस घर चल के मिलता हूँ आप सब से। मैं भी है ना पहुँचने वाला हूँ 5 मिनट में घर में। घर में मैं आ चुका और बता गया सचिन, और मैंने वहाँ खाना भी खा लिया था, चौमिन खाई थी और वो समोसा रख के ले गया था। और क्या रख के लेके गया था? हाँ टिक्की, आलू की टिक्की। तो अब घर में आते भूख लग गई, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 बज रहे हैं। दिन में 6 बार खाता है गाइस ये खाना। हाँ अच्छा, अच्छा नहीं वो तो हाँ। आपको पता है रूटीन में मैं कितने बार खाना खाता हूँ। गाइस ये कैमरा नहीं खोलता ना उस टाइम, झूठ बोलिए झूठ, कैमरा नहीं खोलता गाइस। तो 9:30 बज गए अभी, बस मैं खाने में लेट हो गया, अब खाना खा लेता हूँ अपना। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा फोन चलाऊंगा, उसके बाद सो जाऊंगा क्योंकि आज है ना बहुत थकान हो रही है, आंखें भी दिख रही होंगी आपको ऐसे हो रही है झुकी झुकी, क्योंकि आज सुबह से ना घूमते घूमते ये टाइम हो गया। अपने कपड़े लेने गए, फिर वहां से ठंड में हम स्कूटी पे आ रहे थे, पता है इतनी ठंड लग रही थी हमको, तुझको क्या पता, तू तो आंखें दिखाती रहती है। तो जल्दी तू जल्दी खाना दे दे मेरे को, मैं नहीं दे रही, भूख लग रही। तो ईशु दीदी भी अभी गई है, उसने मेहंदी वेहंदी लगवा ली अपनी, अब बस वो है ना जो ऊपर का काम रह गया वो करेगी, उसके बाद चल ऐसे खेल सकता है तू मॉर्निंग में। इसके गाइस देखो, ऐसे देखो इसका नाटक चलते रहते। तो गाइस बंद कर देना इसको, बताओ। तो कल ना हम जल्दी जाएंगे मॉर्निंग में, क्योंकि उनका है ना सुबह की होती है हल्दी सौरभ भाई के, तो जल्दी जाएंगे, जल्दी दिखाऊंगा। सचिन भाई वहाँ पहुँच गया क्योंकि उसको डेकोरेशन करनी थी, इसलिए वो जल्दी पहुँच गया रात को। आज खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ अपने लिए स्पेशल। मैंने अपने लिए स्पेशल मैगी चढ़ा दी, तो मैगी बनने वाली है, मैगी बनते ही ना फिर उतार लूंगा, फिर खाते है मैगी को, बहुत टेस्टी बनती है मेरे हाथ की मैगी। गाइज अपनी मैगी भी फिनिश कर ली मैंने। क्या होता है कभी कभी ना खाने का मन नहीं होता, कुछ ऐसा करता है कि कुछ अच्छा सा मिल जाए, तो मैं 2 मैगी लाया हुआ था, एक नित्तू ने बना ली थी अपने लिए और एक मैंने अपने लिए बना ली थी। तो मैगी खा ली, थोड़ा पेट भी भरा भरा हो गया क्योंकि बाहर भी हम खा के आए थे ना सचिन भाई और मैं, फिर ज्यादा खा ही नहीं गई, एक मैगी बनाई अपने उसमें पेट भर गया। तो गाइज बस करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू। और अब गाइज व्लॉग देखना मिस मत करना, क्योंकि अब सौरभ भाई की शादी है ना, कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, तो उसमें जो जो मस्ती होती रहेगी ना, तो आप सब भी उसमें शामिल रहना। तो मिलते हैं फिर एक जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू।